एक और नया एग्जाम्पल हम क्रिएट करने वाले हैं a44.html। हमने एक फाइल बनाया, उसके साथ मैंने a44.js फाइल को लिंक कर दिया है। नाउ इस a44.js में हम देखने वाले हैं कि हम एक और तरीका है जिससे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने कहा वेर और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स, और हमने कहा न्यू पर्सन, कंस्ट्रक्टर कॉल किया। क्या हमारे पास पर्सन क्लास है? नहीं, तो हम उसको क्रिएट करेंगे। हमने कहा फंक्शन, हमें फंक्शन कीवर्ड यूज करके इसको क्रिएट करना है। हमने डिफाइन किया जैसे हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक वैसे ही। और यहाँ पर इस पर्सन क्लास को हम जो डिफाइन कर रहे हैं उसको हम पैरामीटराइज बनाने वाले हैं। हमने कहा फर्स्ट नेम, ये लोकल वेरिएबल है, पैरामीटर वेरिएबल। हमने कहा लास्ट नेम, देन एज, देन कॉन्टैक्ट। फिर मैंने यहाँ लिखा दिस डॉट फर्स्ट नेम। हमने कहा एक इंस्टेंस वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, पर्सन क्लास का अपना प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया, और जो हमारा पैरामीटर वेरिएबल फर्स्ट नेम है, इसको कॉल करते समय जो फर्स्ट नेम हम पास करेंगे, सपोज हमने कहा मोहन, तो ये मोहन जाके इस फर्स्ट नेम वेरिएबल को असाइन होगा, और इस लोकल वेरिएबल फर्स्ट नेम को हम लोगों ने इस पीपल नाम पर्सन नाम के क्लास में जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम, इंस्टेंस वेरिएबल फर्स्ट नेम, उसमें लोकल वेरिएबल फर्स्ट नेम को असाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा दिस डॉट, हमने कहा लास्ट नेम। अब इसको हम क्या असाइन करेंगे, ये हमारा दिस यानी कि करंट ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी लास्ट नेम। तो पर्सन क्लास का जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो पर्सन क्लास का एक फ्रेश न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। सेकंड आर्गुमेंट हम क्या पास करने वाले हैं, हमने कहा हम सेकंड आर्गुमेंट लास्ट नेम पास करेंगे, साथ में एज के लिए भी एक वैल्यू पास करना है, और कॉन्टैक्ट भी हमें पास करना है 7856341212। नाउ इस तरह से हमने फोर आर्ग्यूमेंट्स पास किया, जहाँ पर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मोहन लोकल वेरिएबल फर्स्ट नेम में, सेकंड आर्ग्यूमेंट कुमार लास्ट नेम में, थर्ड आर्ग्यूमेंट 12 एज लोकल वेरिएबल में, और वो जो कॉन्टैक्ट हम ऊपर भेज रहे हैं 7856 वो जाके इस लोकल वेरिएबल कॉन्टैक्ट में स्टोर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और जो लोकल वेरिएबल फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसमें हमने जो रिसीव किया है उसको असाइन कर देंगे। ये एक काफ़ी ट्रिकी है। हमने कहा एज, और हमने इसको लोकल पैरामीटर वेरिएबल एज, ये जो लोकल वेरिएबल है इसको हमने यहाँ स्पेसिफाई किया, और हम इसको इंस्टेंस वेरिएबल एज में असाइन कर रहे हैं। नाउ हमने कहा दिस डॉट कॉन्टैक्ट, ये हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज है। इसमें हम क्या असाइन कर रहे हैं, पर्सन कंस्ट्रक्टर कॉल कर समय हमने जो आर्ग्यूमेंट पास किया था वो हमारे लोकल वेरिएबल में रिसीव हुआ था, उन लोकल वेरिएबल्स को हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं, और पर्सन क्लास में जो प्रॉपर्टीज है वो हम इस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं दिस कीवर्ड का यूज करके। तो हमने कहा कॉन्टैक्ट, और ये सेमीकोलन हमने मार्क कर दिया। नाउ इस तरह से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद ये तो हमारा डिफिनीशन है, और हम इसको यहाँ पर न्यू कीवर्ड के साथ कॉल करके इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो अगर मैं इसको भी ड्रॉ करके दिखाऊं, तो बस हमें यहाँ पर एक छोटा सा माइनर चेंज करना है, वो ये है कि वहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था। मैं इसको जस्ट शो करने के लिए, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि हम इस बार पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा ये ऑब्जेक्ट किस बात का है, पर्सन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पर्सन ऑब्जेक्ट है ये। नाउ हम लोग वापस बैक आते हैं, तो जब भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उसका रेफरेंस कोड एक्स में होल्ड करेंगे, और मैंने कहा अलर्ट। ठीक, हमने कहा एक्स, एक्स को हम अलर्ट करके देखेंगे। a44.js हमारा एग्जांपल है, मैंने कहा a44 HTML पेज को रन करो। तो हमने इसको जैसे ही रन किया a44 HTML को, तो यहाँ पर हमें जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिला है। a44 HTML इसको हम ओपन करते हैं। a44 HTML में हमने a44.js फाइल को लिंक किया हुआ है, a44.js फोल्डर में है। हमने अलर्ट कॉल किया तो ये हमें शो होना चाहिए था, इट्स ओके, क्या प्रॉब्लम है, इसको हम चेक करेंगे। हम यहाँ ब्राउज़र में आते हैं, मैंने कहा फंक्शन, हम लोग डेवलपर कंसोल को ओपन कर रहे हैं, ये यहाँ पर प्रॉब्लम शो कर रहे हैं a44.js में, अनकॉट रेफरेंस एरर, पर्सन इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो कोई बात नहीं, तो ये बता रहा है कि पर्सन ऐसा कहीं पर आपने डिफाइन नहीं किया है, शायद हमने कोई मिस्टेक किया है,
ये देखो हमने कॉल कर से में गलत किया, पर्सन, ठीक है, अब ठीक है, नाउ स्पेलिंग मिस्टेक था, रिफ्रेश करते हैं, आपने देखा ऑब्जेक्ट, वाह ये तो अल्फा क्लास ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो रहा है, हाँ क्लास का नेम क्या है ऑब्जेक्ट, और इंटरनली उस ऑब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है डन। और अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज प्रिंट करेंगे, मैंने इसे जस्ट कमेंट किया और हम एक्स डॉट फर्स्ट नेम या एक्स स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट में प्रॉपर्टी नेम हम स्पेसिफाई करेंगे, इस तरह से हम करने वाले हैं, कंट्रोल वन और सॉरी 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 मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा, रिफ्रेश मोहन एंड अगेन मोहन, क्योंकि मैंने दो बार अलर्ट प्रिंट किया और इस तरह से मैंने बताया कि देखो हमने सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट बना लिया। ये टेक्निक सीखने के बाद मैं यहाँ पर इसे इसमें से एक को कमेंट कर देता हूँ और हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, मैंने कहा वेर वाई, हमने कहा न्यू पर्सन और आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, और जो ओल्ड टेक्निक्स थे उनमें भी हम ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मैंने कहा सोहन, हमने कहा इनका सरनेम है सोहन सिंह और इनका एज है 34 और इनका कॉन्टेक्ट है 6789452312 और दैट्स इट। तो इस तरह से वाइब क्रिएट हो गया, हम एक बार फिर से अलर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ हमने कहा कि जो वाइब वेरिएबल जिस पर्सन ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है उसका जो फर्स्ट नेम है वो आप अलर्ट करो, सेमी कॉलन। नाउ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये मैंने रिफ्रेश किया तो मोहन एंड देन सोहन, आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने दोनों दो ऑब्जेक्ट बनाए, ऐसे हम एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी दूसरे टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे।